हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिया सेज। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी चाहने के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, वो कंटिन्यू नहीं हुई। और उसके बाद मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई और मुझे दो बेटे हुए। और उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले 3 महीने में नहीं खानी है, बिल्कुल नहीं खानी है, जिससे आपके बेबी के लिए नुकसान हो सकता है। तो उसको ये जो मैं चीजें बता रही हूँ, इनको आपको अवॉइड ही क्या मतलब बिल्कुल बंद कर देना है। पहले 3 महीने तो आपको नहीं खानी है। तो ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं खींचूंगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करती हूँ कच्चे अंडे की। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो अंडे होते हैं वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं, आपको खाने चाहिए, लेकिन आपको जो है कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ लोग जैसे जो लोग ना खा लेते हैं, वो क्या करते हैं, दूध में अंडे, कच्चे अंडे को डालकर फेंट कर उसको पी जाते हैं, कहते हैं कि वो बहुत हेल्दी होता है। कहते हैं कि क्या वो होता भी हेल्दी है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो लड़की प्रेग्नेंट है। पहले 3 महीने तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, और मैं कहूँगी पूरी प्रेगनेंसी ही आप कच्चा अंडा अवॉइड कीजिए। आप अंडे को बॉईल करके खाइए, देखिए कि अच्छे से वो बॉईल हो चुका हो। आप उसका ऑमलेट खा सकते हैं, आप बॉईल करके उसका सैंडविच बना के खा सकते हैं, आप उसका सैलेड बना के खा सकते हैं, लेकिन कच्चा अंडा आपको बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरे जो नंबर पे बात आती है वो आती है सफ़ेद तिल। आपको सफ़ेद तिल बिल्कुल नहीं खाने हैं। पहले 3 महीने में तो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। जो सफ़ेद तिल होते हैं, जो ब्लैक वाले काले वाले तिल होते हैं, वो आप खा सकते हो, लेकिन ऐसे तिल अभी आप अवॉइड ही कीजिए। अभी आपकी प्रेगनेंसी नई नई हुई है, तो ये चीज़ों को आपको, ये दोनों चीज़ें अंडे और तिल आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है एलोवेरा की। कुछ लोग एलोवेरा का जूस ले लेते हैं, या फिर मैंने सुना हुआ है कि एलोवेरा ऐसे ही कच्चा ही खा जाते हैं, जैसे एलोवेरा के छिलके जो पत्ता होता है उसको कट किया और उसको खाते हैं, क्योंकि वो स्किन के लिए, हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन प्रेगनेंसी में एलोवेरा का जूस और एलोवेरा खाना आपके लिए इतना सही नहीं है, उससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है, तो ये एलोवेरा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर बात आती है पपीते की। बहुत बार मैंने भी अपने वीडियोस में बोला है कि पपीते के जो फ्रूट है, जो पका हुआ है, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, लेकिन आपको कच्चा पपीता, कुछ लोगों के घर में कच्चे पपीते की सब्जी बनती है, आई थिंक साउथ वगैरह में बनती होगी, तो वो आपको अवॉइड करनी है, वो आपको नहीं खाना है। कच्चा पपीते की सब्जी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। इसको आप फ्रूट में खा सकते हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन में मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि हेल्प करता है, वो आप खा सकते हो, लेकिन आपको जो कच्चा है उसकी सब्जी बना के या उसको किसी वे में नहीं खाना है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अनानास की, यानी कि पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल भी आपको अवॉइड करना है पहले 3 महीने की, आप कम ही खाओ। मुझे याद है कि मेरे यहाँ ना, याद है जब मेरा एमजी ट्रांसफर हुआ तो मेरे घर में केक पड़ा हुआ था, वो पाइनएप्पल से भरा हुआ था। मैंने ही मंगवाया था शायद, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे उसी टाइम पे आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पाइनएप्पल का केक। तो उसके ऊपर ना इतना पीस था पाइनएप्पल का, तो मेरा मतलब इतना दिमाग उस टाइम चल पड़ा और मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मुझको नहीं खाना है। और फिर मैंने जब सर्च किया तो सच में कहा जाता है कि जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें आपको जो पाइनएप्पल है, यानी कि अनानास है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। फिर बात आती है दूध की। अब आप बोलोगे कि हमें दूध भी नहीं पीना है, बिल्कुल आपको दूध पीना है, लेकिन कभी भी आपको जैसे होता है ना कि डिब्बे में बंद पड़े जो दूध हैं वो आपको नहीं पीने हैं। हो सके आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश मिल्क ही यूज़ करो। फ्रेश मिल्क ये नहीं है कि अभी निकाला गाय या भैंस ने तो आपको वो पीना है, लेकिन वो आपको ज़्यादा पुराना या ज़्यादा पैकेट वाला दूध आप थोड़ा अवॉइड कीजिए।
आपको जब भी दूध पीना है आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसको बॉईल करके ठंडा करके ही पीजिए, ना कि आपको जैसे कच्चा दूध है आप वो ही पी रहे हो, उसके मुकाबले आपको बॉईल दूध ही पीना चाहिए। फिर बात आती है ड्राई फ्रूट्स में, आपको छुहारा नहीं खाना है। अब अगर मैं यहाँ पे फोटो ही लगा दूंगी क्योंकि मुझे ना उसका हिंदी में पता नहीं है कि छुहारा ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, वो आपको वो काफ़ी गर्म होता है। मेरी डॉक्टर ने वो मुझे लास्ट में बोला था जब मेरा डॉक्टर ने मुझे मेरा फूड चार्ट दिया था ना, जो बना के देते हैं कि आपको ये खाना है, तो वो मुझे डॉक्टर ने 9th मंथ पर लिखा हुआ था कि मुझे तब खाना है, यानी कि पहले प्रेगनेंसी के टाइम में आपको छुहारा नहीं खाना है। जो खजूर होती है उसकी बात कर रही हूँ, जो ड्राई खजूर होती है, खजूर भी आप बोल सकते हो, जैसे अब सर्दियां हैं तो खजूर आ जाएगी, तो आपको पहले 3 महीने में खजूर को थोड़ा अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी इसको नहीं लेना है। फिर बात आती है नॉन वेज में फिश की, फिश आपको मरकरी जो फिश होती है वो आपको नहीं लेनी है, वो आपके मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देती है, तो आपको मरकरी फिश नहीं लेनी है, अवॉइड कीजिएगा तो सही रहेगा आपके लिए। आपको चाइनीज फूड नहीं लेना है क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है जो कि मिसकैरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। अवॉइड करना है हमें चाइनीज फूड। अगर आपका दिल करता है तो आप घर में कुछ कुछ अलग से कुछ बना के खा लीजिए, लेकिन बाजार से आपको मार्केट से चाइनीज फूड लाके, और ऊपर से आजकल जो पैकेट वाले, अब मैं नाम नहीं लूंगी, पैकेट वाले जो चाइनीज फूड जो सूप वगैरह होते हैं कि आप सोचो कि नहीं मैं तो सूप ही पी रही हूँ, नहीं, आपको ये पैकेट वाले सूप वगैरह भी नहीं पीने हैं जो चाइनीज होते हैं, और चाइनीज फूड भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पहले 3 महीने तो आपको ये चीजें अवॉइड करनी ही चाहिए कि आपके लिए बहुत सही बात होगी, आपके बच्चे के लिए सही होगी, आपको मिसकैरेज के चांस से बचाएगी। ये थी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, तो इस वीडियो को जिसके साथ जरूरत है उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपको अपने अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।